बहुत ही मजा आया जर्नी में, इतनी ज्यादा मजेदार रही है कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अगले साल फिर ले चलो यार, फ्री में ले चलो मुझे, पर ले चलो। अगर आपको लगता है, हाँ हाँ पूछ चले, फिर कैमरा पे आ जाऊंगा। आपको लगता है कि अगर आसिम भी आपके शो में बने होते तो आज आपकी जगह पे वो विनर होते? हाँ हो सकता था यार, वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था, बहुत स्ट्रांग था, बट उसकी बेवकूफ़ी और मेरी अच्छी किस्मत कि मैं यहाँ हूँ। आप सिर्फ आसिम को अपना कंपटीशन मानते हैं क्योंकि गश्मी नहीं, को सभी लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन समझा था और सबने यू नो उनको डाला था स्टंट करने के लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, क्या कहना चाहोगे? सिर्फ आसिम और गश्मीर नहीं, हर कोई आई थिंक। मैं जब पहले आपको इंटरव्यू देके गया था तो मैंने बोला था मैं ही जीतूंगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और जब सबकी तैयारी देखी मैंने तब मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था क्योंकि सब यही सोच के आए थे कि सब इसको लेके जाएंगे घर, एंड एवरीबडी वॉज वेरी फोकस्ड। ये बैच ही कुछ ऐसा था जो सोच के आया था कि भाई कुछ ये नहीं करेंगे कि हाँ आ गए जहाँ तक ठीक है कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, घूम लेंगे रोमानिया, ये सब कोई करने नहीं आया था, सब इसको लेने आए थे, एंड दे वर ऑल वेरी फोकस्ड एंड रेडी एंड ट्रेंड, मैं ये कहूँगा। वेल आप एक अंडरडॉग प्लेयर निकले, हंस हंस कर यू नो हंसी मजाक करते करते ट्रॉफी तक का लेकर आ गए आप यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? आपको ऐसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया? नाइस जोक ना। वन लाइनर हो सकता है यार सबको, मैं बाकी जो मेरे कॉम्पिटिशन था ना उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो बोल दूं सारे कैमरा में बोलूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, रेडी सो दैट्स माई आंसर टू एवरीबडी। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई डिजर्व करता था इसको, बिकॉज हर कोई किसी ना किसी चीज़ में बहुत स्ट्रांग था, चाहे वो करंट हो या अंडर वाटर हो या हाइट हो। तो मेरी ऐसी किस्मत थी कि जब मेरा स्टंट आया और जो मेरे सामने था मैं उसमें ज़्यादा अच्छा था और सामने वाला वीक था, तो मैं आगे बढ़ता चला गया, जैसा कि आपने बोला हंसी मजाक में। खतरनाक होते बट आपके हिसाब से आपके लिए सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? करंट लगने वाला भाई, अभी भी ये तारों से डर लग रहा है मेरे को, लोग फियर छोड़ के आते हैं, मैं फियर लेके आ गया हूँ कि कहीं चीज में करंट ना आ जाए। शिल्पा शिंदे के साथ इनको भी मौका दें। करण आप ट्रॉफी लेके बाहर आ गए लेकिन बिग बॉस के लिए भी नाम आ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई? वो तो हर साल आता है नाम, और वो ज्यादा बड़ा खतरा। आपको क्या लगता है जाना चाहिए मुझे? जाना चाहिए। ठीक है सब, जो जो जाना चाहिए हाथ खड़ा करो। ट्रॉफी आ जाएगी, दो दो ट्रॉफी एक साथ पे आएगी, इन सबको काउंट करो, ठीक है सबको बंद कर लेना है कमरे में, ठीक है। तो आपने प्रोमो देखा बिग बॉस का? टाइम का टांडव ना कुछ तो हाँ देखा है मैंने, कुछ ऐसा टाइम का कुछ चल रहा है और सलमान सर की आवाज़ है, बट प्रोमो तो देखा मैंने, देखता तो हूँ मैं ऑफकोर्स जब कभी, मैं टी वी के थ्रू जरूर जाऊँगा, टी वी में देखने को जाऊँगा बिग बॉस आ रहा है। सिर्फ मेंटली नहीं, इनफैक्ट हर चीज के अंदर, यहाँ तक कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया स्टंट करते हुए, एंड शी हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी फॉर दैट, तो वो एकदम दबंग लड़की है और कुछ उसने कभी भी ऐसा नहीं लिया कि हाँ मैं शायद फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊंगी, यानी उसने कूद गई वो किसी भी चीज में। ऑल्सो यू नो कृष्णा मुखर्जी की, कृष्णा की अगर मैं बात करूं, पहले एलिमिनेट हुई और फिर जब वो कमबैक की उन्होंने बहुत अलग ही लेवल का कमबैक था। यस यस, व्हाट यू हैव टू से, क्या आपने सोचा था कि इस तरह से वो आएगी और इतना कैपेबिलिटी होगी उनमें? सोचा तो पहले से था बिकॉज आई हैड सीन हर वीडियोस एंड एवरीथिंग दैट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हाँ करंट नहीं ले पाई वो, जैसा कि मैं भी नहीं ले पाया। अगेन वही बात थी ना कि किस टाइम पे कौन सा स्टंट तुम्हारे सामने आता है, वॉज द लक फैक्टर, सो दैट्स द ओनली गेम दैट आई प्लेड, एंड आई मतलब वो लकीली आ गया, अगर कृष्णा को आता शायद वो जीत जाती। सॉरी बिल्कुल आपकी दुआएं सब काम कर गई साथ में। लक फैक्टर तो अभिषेक के साथ सबसे ज्यादा था, बट टॉप 5 तक का ही उनका सफर रहा, क्या कहना? हाँ तो उनका टॉप 5 तक का लगता ना, शायद मेरा आगे तक का था पूरा, उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी। नहीं नहीं मेहनती भी बहुत है, उसने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं आया था जो सोच के आया कि चल घूम लेते हैं आज कल स्टंटे देखेंगे क्या होगा, देयर वाज नोबडी। अगर अगले दिन स्टंट है तो जल्दी सोना, जिम जाना, सोना, स्विमिंग, रिलैक्स होकर अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड थे सब, कोई भी ऐसा नहीं था कि अरे रात तक पार्टी कर रहा है, सुबह देखेंगे कितने बजे उठना है, नोबडी हैड दैट एटीट्यूड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबडी वाज इक्वली
कंटेस्टेंट फॉर दिस कि कोई भी लिस्ट था। सारे कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ, आपको क्या लगा बिग बॉस मटेरियल कौन था उसमें से? आधे तो बिग बॉस के ही थे सारे। और जो नहीं थे उनमें से कौन लगा? जो नहीं थे वो सारे बिग बॉस मटेरियल ही हैं मुझे लग रहा है। अच्छा वो वाली बात, हाँ वो तो मुझे लगा फिर गैलेक्सी वाली बात आ जाएगी। हाँ सुना तो थी कहानी गैलेक्सी वाली यार, अब तो क्या सुनना चाहता, क्या पी के गुस्सा था मैं अंदर। देखो हाथ लगाओ ये मटेरियल, ये गुड बॉय मटेरियल है, ये बिग बॉय मटेरियल नहीं है। रोमानिया से बहुत सारे दोस्त बनाए हैं यार वहाँ पे, स्टंट टीम में, मेकअप टीम में, और जो जनरल क्रू था उनका, सब बहुत ही ज़्यादा इंडियन टाइप ही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब घुलने मिलने वाले, तमीज़ वाले, ये खाओ ये पियो सब ने अपनी। मेरे एक फिजियो थी वहाँ पे एंड्रिया, उससे तो मैं अभी भी टच में हूँ, वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भेजती रहती है कि वो ये कर रही है, हॉर्स राइडिंग सीख रही है, शी इज़ ऑल्सो वन खतरों का खिलाड़ी, तो यू नो तो ये सब बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं वहाँ पे। यस आप विश कर रहे हो ना। करण भी लास्ट क्वेश्चन, आपका लुक चेंज हुआ है, व्हाट इज द रीजन, क्या कुछ आ रहा है, व्हाट इज इन पाइपलाइन? अरे एक तो मैंने विश मांगी थी ना ट्रॉफी आते ही उड़ा दूंगा बाल सर। तो एक आने वाला है गाना गाइज मेरा, प्लीज़ आप उसको प्यार देना थोड़ा, इट्स कॉल्ड कहना गलत गलत, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, क्या कहते हैं, ज्योति नूरान जी ने गाया है फिर से, और मेरे साथ सना मकबूल है आपकी फेवरेट, तो कल पोस्टर लॉन्च है उसका, सो प्लीज़ गिव इट योर ऑल, उसको भी थोड़ा सा गर्म कर देना। आप लोगों के साथ आपका सॉन्ग आ रहा, तो जाहिर सी बात है आपने शूट कर लिया है। जी 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 जी। उनके साथ क्या बिग बॉस जीतने के बाद कुछ भी चीजें उन्होंने शेयर की आपके साथ? हाँ, और कुछ टिप्स शेयर, अरे टिप्स मैंने शेयर करी ना खतरों जीतने के बाद। ये क्यों नहीं पूछ रहे आप, आपने उसको क्या टिप दी है? हाँ मैंने उसको ये बताया क्यों नहीं जीती तू, ये करती तो जीती, तो ये चल रहा था हमारा। पर आपने लिए बिग बॉस के लिए टिप्स? मैंने टिप्स तो लिए सारे, कैसे गई मुझे पता नहीं, कैसे जीत गई मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे जीत गया, मैं सारे जीतने वाला सब छुपा के रखते हैं अपने वो ट्रेट्स। थैंक यू एवरीबॉडी।